हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कार एनर्जी विद वन मोर वीडियो ऑफ टाटा पंच। व्हाई पीपल आर ब्रिंगिंग पंच टू कार एनर्जी? जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा एक्सेसरीज। केवल डब्बा और सिलेंडर लगाएंगे तो पंच नहीं होती कामयाब, एल्ट्रोज नहीं होती कामयाब, टिगोर नहीं होता कामयाब, नेक्सॉन नहीं होता। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा एक्सेसरीज जो हम लगाते हैं। अब जैसे नेक्सॉन में हम आपके डायनेमिक एडवांसर के साथ आपका बिना होल की इंजन में गैस इनलेट देते हैं, तो इसके अंदर पंच के अंदर भी जो हमने काम किया है, देखो इसके अंदर डायनेमिक एडवांसर लगाया। वाई डायनेमिक एडवांसर इन टाटा व्हीकल? बिकॉज देखो टाटा की गाड़ियों में बॉडी बहुत हैवी है और इंजन हल्का है। इंजन 3 सिलेंडर का है और बॉडी बहुत हैवी है, तो इन गाड़ियों में जो है डायनेमिक एडवांसर इज़ अ मस्ट। इफ़ अगर आप चाहते हो कि बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए गाड़ी के अंदर वही चल रहे जो पेट्रोल पे है, तो भाई डायनेमिक एडवांसर मस्ट है। आप स्टैटिक एडवांसर लगाओगे गाड़ी के अंदर वो मज़ा नहीं आएगा। आफ्टर 2-3 मंथ्स आपको लगेगा जैसे किट उतार कर फेंक दूँ। सो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ कार एनर्जी। दूसरा जो काम किया हूँ, आपके इंजेक्टर्स के कोई वायर कट नहीं है, सारा कपलर टू कपलर है, सारा सॉकेट टू सॉकेट है। यहाँ पे आप देखो आपके नए वाले सॉकेट अभी मैंने लगाया और पुराने वाले सॉकेट गाड़ी का है। ये तीनों आपके इंजेक्टर्स में कपलर टू कपलर है। अभी मैं आपको एक बार डब्बा निकाल कर दिखाता हूँ, मैं इसको बाहर निकाल कर दिखाता हूँ, मैं आपको प्रॉपरली आपको देख सकते हो। इसके अंदर ये सारा कपलर टू कपलर है, ये सारा कपलर टू कपलर है, सॉकेट टू सॉकेट। और तीसरा जो काम किया हूँ इसके अंदर आपका गैस फिल्टर लगाया ताकि सारी इम्प्योरिटीज़ फिल्टर होके जाए। चौथा जो काम किया हूँ इसके अंदर आपके कूलेंट कनेक्शन दिया हूँ। ये खासकर सर्दियों में किट ठंडी नहीं होगी, गैस जमेगा नहीं। एक तो टेम्परेचर सेंसर वहीं लगेगा जहाँ लगा होना चाहिए। गैस नहीं जमेगा तो आपकी जो है मिसिंग नहीं रहेगा, वाइब्रेशन नहीं रहेगा, जर्क नहीं रहेगी गाड़ी के अंदर। एक तो 10-15% एवरेज भी इम्प्रूव होगा। और पांचवा मेन काम है इस सेफ्टी का पूरा ध्यान रख के, आपके ECM से ये जो वायरिंग जा रहा है ये सारा एक स्पाइरल ट्यूब में जा रहा है, प्रॉपर स्लीव्ड। अब देखो नॉर्मल अगर टेपिंग दूंगा 2-4-6 महीने के अंदर उसका टेपिंग निकल जाएगा, वायर बिखर जाएगा, लेकिन ये आपके पूरे 15 साल जब तक गाड़ी है इसकी वायरिंग कहीं नहीं जाएगी। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ कार एनर्जी। एक बार एयर फिल्टर का डब्बा निकाल कर अंदर क्या सामान लगा है बिना छुपाए मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ, अपना वर्कमैनशिप दिखा रहा हूँ। दिस इज़ द क्वालिटी। इट टेक्स 4-5 आवर्स टू गिव सच क्वालिटी। ये नहीं कि 1-2 घंटे में जल्दी जल्दी इधर उधर करके फिट कर दिया, ना ना ना, प्रॉपर फिटिंग एज लाइक कंपनी फिटेड। और गाड़ी भी वैसे ही चलेगी, चाल जो गाड़ी का जो चाल होगा वो भी वैसे ही होगा। कोई कह नहीं सकता ये गाड़ी पेट्रोल है CNG है। देखो मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मैं इट इज़ वेरी इजी। देखो हम भी कोई सामान खरीदने जाते हैं ना, बड़ा दिक्कत होता है कि भाई कहाँ से लूँ, किससे लूँ, कौन सा लूँ, किस ब्रांड का लूँ। लेकिन यहाँ मैंने बहुत इजी कर रखा है। आप मेरे को जो है ना ऑनलाइन कुछ मत पूछो, आप व्हाट्सएप पे आओ, आप मेरे से 5 कस्टमर का नंबर लो और घर बैठ के उन 5 कस्टमर को फ़ोन करो कि भाई साहब आपने किट लगवाई कार एनर्जी से, कितने में लगवाई, आपका कौन सा मॉडल है, गाड़ी कैसी चल रही है, कितने टाइम हुए लगे हुए, मतलब सब कुछ पूछो आप और फिर डिसाइड करो और गाड़ी ले आओ और CNG लगवाओ। मैं बहुत इजी कर रखा हूँ। देखो आज के डेट में क्या है कि मैं एक मोबाइल ही खरीदने जाऊँ या TV खरीदने जाऊँ, मेरे पास कोई बंदा नहीं है जिससे मैं फीडबैक ले सकूँ। लेकिन यहाँ मैं दे रहा हूँ आपको कस्टमर। आप व्हाट्सएप पे आओ, खाली केवल ये लिखो सेंड मी 5 कस्टमर ऑफ किया कैरेंस, सेंड मी 5 कस्टमर ऑफ नेक्सॉन, सेंड मी 5 कस्टमर ऑफ एनी कार, मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। जस्ट गिव मी टाइम, एक दिन टाइम देना, मैं अपना सारा निकाल के जब मैं फ्री होता हूँ मैं आपको सारा टाइप करके आपको भेजूंगा। एंड स्पीक विद दोज पीपल, आप उनसे बात करो कि भाई साहब आपकी गाड़ी कैसी चल रही है, क्या एवरेज आ रहा है, पिकअप में कोई दिक्कत तो नहीं है, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यू इट इज़ वेरी इजी टू डिसाइड एंड दिस इज माई वर्कमैनशिप, द क्वालिटी, अ सुपर वर्क डन वंस अगेन इन टाटा पंच। इसके अंदर एक काम और किया हूँ मैं, आपके मारुति में जो कंपनी फिटेड में आपका साइड फिलिंग वाल्व आता है वो लगा के दिया मैंने। बहुत कम जगह है इसके अंदर,
और यहाँ मैंने मेड इन जर्मनी वह कंपनी का आपका साइड फिलिंग वाल लगा के दिया, दिस इज़ द क्वालिटी। अब ये आगे से भी डलवा सकते हैं और यहाँ साइड से भी। अब मैक्सिमम ये लगने के बाद तो इंसान साइड से ही डलवाएगा, दिस इज़ द क्वालिटी। और आप स्पेस देखो, इनका सुबह जब आए थे तो इनका मन में था कि भाई साहब स्पेस निकल कर आएगा या नहीं आएगा। जस्ट सी द स्पेस, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द स्पेस इज देयर टू कीप योर लगेज। और जो स्टैंड है मेरा ब्रॉडर शीट में मोल्डेड पाइप स्टैंड, आप ये देखो, ये आपका ब्रॉडर शीट में मोल्डेड पाइप स्टैंड बोल्टेड विद TVS नैलो लॉक नट बोल्ट। और डक्ट एक बार फिट करूँगा। वाइट देखो, डक्टिंग क्यों ज़रूरी है, कभी भी आपके ये सिलेंडर में, इस वेसल में आपका गैस ज़्यादा आएगा तो भाई साहब वो गैस निकालने का जो है ना, यहाँ से गैस निकलेगा ऑटोमेटिक। और वो 2-4-5 मिनट के लिए होता है, वो कभी भी होगा, हमेशा नहीं होता, कभी भी होगा, वो डक्ट से गाड़ी के बाहर होगा, ना कि गाड़ी के अंदर। दिस इज़ द क्वालिटी। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है, काम एक नंबर है, एक्सपीरियंस अपना 25 साल का है। अभी मैं ले चलते हैं CNG पंप में, सेटिंग करते हैं, ट्रायल लेते हैं और देखते हैं गाड़ी कैसी चलती है। आइए, सो हियर वी गो विद द फिलिंग इन द टाटा पंच। इसके अंदर जो है, यहाँ पे यहाँ से आपका, यहाँ से भी गैस डल जाएगा और आगे से भी। देखो टाटा पंच एक बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है, इस रेंज में, इस फीचर, मतलब सारे फीचर्स हैं इन गाड़ियों में, बस एक ही कमी है और वो है एवरेज। वो कमी दूर हो जाता है CNG लगने के बाद। CNG लगने के बाद इस गाड़ी के अंदर जो एवरेज है लोकल के अंदर 17-18 की एवरेज है, और हाईवे पे 25+। लोकल ये बैठेगा 4 रुपये किलोमीटर और हाईवे पे 3 रुपये किलोमीटर। अब इसके अंदर जो सिलेंडर लगाया हमने, 12 kg का सिलेंडर लगाया, एक बार देखते हैं गैस कितनी आ रही है। लगभग 8-8.5 किलो गैस आ जाती है लोग, सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर प्रेशर सही रहा तो सर्दी में 9 किलो भी आ जाता है, 9.5 किलो भी आ जाता है, मैंने कई सिलेंडर में 10 किलो भी डलवाया मैंने। और ये आराम से आपकी जो है 1 किलो में 17-18 की एवरेज है लोकल में। आई एम टॉकिंग अबाउट समर्स, AC ऑन, AC के साथ, और हाईवे पे जाओ तो 25+ AC के साथ। एट के जी हैज बिन क्रॉस्ड। अब एक बार गैस डल जाने दो, फिर इसकी सेटिंग करते हैं और ट्रायल लेते हैं और देखते हैं गाड़ी कैसी चलती है। 8.5 किलो हैज बिन क्रॉस्ड। लगभग 8 किलो 600 ग्राम गैस आई है। अब चलते हैं, एक बार सेटिंग करते हैं और ट्रायल लेते हैं। आइए, सो दिस इज टाटा पंच BS6। सब कुछ लगा के दिया इस गाड़ी में जो इस गाड़ी को कामयाब करता है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। डायनेमिक एडवांसर, कपलर टू कपलर वायरिंग, गैस फिल्टर, स्पाइरल ट्यूब स्लीविंग, कूलेंट कनेक्शन, मोल्डेड पाइप स्टैंड, TVS नैलो लॉक नट बोल्ट, डक्टिंग, ये सब डब्बे में नहीं आता। और यही है जो सेफ्टी और गाड़ी की जो परफॉर्मेंस को और बेटर करता है। एक बार सर से पूछता है, इन्होंने काफ़ी वीडियो देखा मेरा, सर फिटिंग कैसी रही और गाड़ी कैसी चल रही है? सर जैसा मैंने देखा था उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा है। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग करने का जो काम है बहुत अच्छा, इंस्टॉलेशन बहुत अच्छी करी है, लड़के भी बहुत अच्छे हैं इनके पास और ये सर भी बहुत अच्छे हैं। और गाड़ी का मुझे पता नहीं चल रहा कि गाड़ी CNG पे है या पेट्रोल पे है, बिल्कुल सेम, कोई मुझे चेंजिंग लगी नहीं रही है और बिल्कुल स्मूथली गाड़ी चल रही है। तो आप सेटिस्फाइड हो जो आपने यूट्यूब में देखा है? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। और आने वाले जितने भी मेरे यार दोस्त हैं, जितने भी मेरे हैं, मैं सबको यहीं भाई साहब की दुकान पे ही भेजूंगा कि यहाँ CNG लगवाओ और इंजॉय करो। चलो, थैंक यू, थैंक यू। बस अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने किट लगा दी, सेटिंग कर दिया, गाड़ी बढ़िया चल रही है, आगे भी बढ़िया चले। बस ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब भी आप गाड़ी सर्विस कराओ, इसकी थ्रॉटल बॉडी खुलवा के साफ कराओ,
कौन से होते हैं? मैं अभी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। और इसके स्पार्क प्लग आज तो मैंने चेंज कर दिया है, मतलब 8000 किलोमीटर पे स्पार्क प्लग खोल के रेगमार से साफ बिना गैप छेड़े। बाकी आप अपने मैकेनिक से मेरे को बात करा दो, ये चेंज ही करा दे बिना रेगमार के। नहीं नहीं, चेंज 15-16 हज़ार के बाद होगा, एक सर्विस साफ एक सर्विस चेंज। ठीक है, अपने मैकेनिक से मेरे को बात करा दो, मैं समझा दूंगा। और बाकी आपको अभी मैं सारा समझा दूंगा। अभी जैसे मेरी जो सर्विस है ना, वो उसमें है, क्या नाम है, कंपनी में पेंडिंग में है। तो कंपनी में कराओ, और कंपनी वाले को बोलो कि भाई थ्रॉटल बॉडी खोल के साफ कर। ठीक है, स्पार्क प्लग खोल के साफ कर। ठीक है जी, बिल्कुल। बाकी कंपनी के जो लड़के हैं मेरे से बात करा दो, मैं समझा दूंगा। ठीक है जी, चलो, अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा जी, बहुत नाइस टू मीट यू और नाइस टू योर वर्क। थैंक यू फॉर सच ग्रेट रिव्यू। चलो, इस तरह का वीडियो आपको पसंद आया, एंड टाटा पंच इज़ माय फेवरेट। मज़ा आएगा भाई पंच में सीएनजी लगवा के। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, पोस्ट मतलब थोड़ा सा ध्यान, मतलब थ्रॉटल बॉडी क्लीन, स्पार्क प्लग क्लीन, एयर फिल्टर जेन्युइन, ये सब काम आप कराते रहो, चलाते रहो, कभी मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलो, इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।